अद्वे कहाँ जा रहे हो आप? हाँ पप्पा सोबत जाते हैं मैडम, आइसक्रीम आणायला। आइसक्रीम नाही आणायची बाबा, माझ्यासाठी तुला जे वाटेल ते सरप्राईज गिफ्ट। नाही गिल्ला वडा नाही आणत, समोसा पण नाही आणत माझ्यासाठी। आणखी काय आणत मग? तुला नाही आईस्क्रीम ने सर्दी मला होते, तुला नाही होत? का बरं नाही होत तुला? ओ ओ ओ ओले बापली, तुझे मुझे पावल आहे। ओ आता कुठे चालला तू, कहाँ जा रहे हो आप? ओ क्या लेने जा रहे हो? आइसक्रीम लेने मेरे लिए लाओगे? मुझे आइसक्रीम से सर्दी होती है। दूध आणायला, दूध लाने जा रहे हो? ठीक है लेके आओ। अच्छा हॉर्लिक्स मध्ये दूध, दूध घ्यायचं ना, दूध हॉर्लिक्स ताकद येते। अच्छा अच्छा दीदी दीदी तुला जे पाहिजे ते बाय। नाही ना बर नको, मूड नाही आहे नको। चलो गाइस अद्विक चला गया है बाहर उसके पापा के साथ, उसको डेली घूमने के लिए चाहिए बाहर। एक मिनट डोर लगा लेती हूँ, पर्दा। सो डेली घूमने के लिए चाहिए, कहीं ना कहीं शाम को डेली घूमने के लिए बाहर जाता है। आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ बोलते हैं, मैं बोला मेरे लिए लेके आओ, बोलता नहीं सर्दी होती, बोलता जुकाम होता उससे, बहुत शाना है। और चलो अभी मैं कुछ खा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगी है भूख। मैंने डाले थे यहाँ पर ब्रेड, अरे यार नहीं हुए ही नहीं है, लगता हुए हैं थोड़े से बट ये नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं क्रंची नहीं हुई है, तो थोड़ा सा क्रंची चाहिए होता है। क्रंची के चक्कर में ना जली जाता है काफ़ी बार में। तो फिर उससे थोड़ा सा वो जला हुआ ऊपर से मैं निकाल देती हूँ, बहुत बार होता है ऐसे। चलो अभी हो जाएगा तो मैं ब्रेड बटर खा लूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरा साड़ी कलेक्शन। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की है साड़ी कलेक्शन के लिए और ब्लाउज कलेक्शन के लिए, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। कुछ नहीं दिख रहा है यार मेरे जो डिजाइनर ब्लाउजेस है, तो कुछ रखे है मैंने वो नहीं दिख रहा है, पता नहीं अभी मैंने ऊपर के वार्डरोब में भी देखा, कबर्ड में देखा और नीचे भी देखा, बट कहाँ रख दिए है वही नहीं दिख रहा है अब। तो चलो जान दो, मैं जब भी दिख जाएंगे आपको दूसरे वीडियो में दिखा दूंगी, बट अभी मैं फिलहाल जो दिख गया है मुझे या मेरे सामने है वो दिखा देती हूँ आपको, और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी आज। तो चलिए फिर अब पहले खा लेती हूँ कुछ और फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। पेट पूजा तो हो गई है, पानी पी लेती हूँ और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी करती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी उसके लिए। तो चलिए अभी सो गाइस बैठ गई हूँ मैं अपना पिटारा लेके, और हाँ किसी ने इसके बारे में पूछा था ये क्या है, तो ये एक सॉक्स टाइप बेली है और इसके अंदर थोड़ा सा मतलब उलन टाइप का है, ये आपके पैर को वार्म रखती है, तो इसी वजह से मैं ये घर पे पहनती हूँ। बेली है ये एक, बट इसका जो मटेरियल है वो सॉक्स का है, मतलब क्लॉथ का मटेरियल है। तो यहाँ पर है मेरी सारी साड़ीज जो मुझे आपको दिखानी है, और ब्लाउज भी इसके साथ दिखा देती हूँ मैं कि कौन कौन से ब्लाउजेस है मेरे पास। कुछ साड़ीज आपने देख ली है इसमें से,
और कुछ साड़ी जो है वो मैं आज दिखाती हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली साड़ी से। ये वाली साड़ी ना बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे, मतलब ये है अंबिका ब्रांड से। आपने अगर सुना होगा अंबिका ब्रांड, ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे, ऑनलाइन मीन्स गूगल पे भी आप अगर डालोगे अंबिका ब्रांड तो अंबिका की सारी साड़ीज आ जाएगी, और डिजाइनर साड़ीज होती है अंबिका की। तो ये वाली डिजाइनर साड़ी है, और आपको इसका पिक अगर मुझे मिल जाए अंबिका की साड़ी का तो मैं आपको साइड में दे दूंगी कि किस तरह से ये वाली साड़ी लगती है, क्योंकि अंबिका ब्रांड में जो भी साड़ी होती है वो कैटलॉग पीस होते हैं, और वो भी एक एक पीस ही होते हैं। अगर कैटलॉग पीस आप देखने जाओ तो आपको इस डिजाइन में कलर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ ओनली वन पीस मिलेगा आपको इसमें, मतलब सेम साड़ी मिलेगी आपको। अगर आप परचेस भी करना चाहते हो तो आपको, अगर आप सेम साड़ी परचेस करना चाहते हो तो सेम ही मिलेगी आपको साड़ी। तो ये है अंबिका ब्रांड से, और ये साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और इसका जो ब्लाउज है तो वो मैंने इस तरह से स्टिच किया है, साइड में चेन है इसके एक्चुअली, हाँ यहाँ पर साइड में चेन लगवाई है, और लॉन्ग स्लीव्स का ये ब्लाउज सिलवाया है इसका। तो काफी ज्यादा प्यारा लगता है ये पहनने के बाद ना, इसकी जो फिटिंग है और बाकी सारे चीज जो फिटिंग आती है बहुत ही अच्छे से स्लिम लगते हो आप, और हाइटेड भी लगते हो। एक्चुअली मेरे हाइट पर पहले से ही ज्यादा है, और हाँ किसी ने मुझे हाइट पूछी थी तो मेरी हाइट है डियर 5'7". मैंने काफी बार आपको बताया है मेरी हाइट 5'7" है, बट इसपे भी आपको बता देती हूँ कि मेरी जो हाइट है वो है 5'7", तो इसी वजह से साड़ी जो है वो मुझ पे थोड़ी अच्छी लगती है, मतलब हाइटेड लोगों पे थोड़ा साड़ी वगैरह अच्छी लगती है, बट इसे ना ये वाली साड़ी से स्पेशली स्लिम भी लगते हैं, तो इसी वजह से मुझे ये वाली साड़ी काफी ज्यादा पसंद है, और इसकी फिटिंग काफी ज्यादा अच्छी आती है। तो इस तरह से इसके नीचे का ये पोर्शन है, और पूरी साड़ी जो है इसकी ये वाली कलर की है, तो काफी ज्यादा प्यारी साड़ी है और मेरी फेवरेट है। और इसकी प्राइस आई थिंक 4,000 या 4,500 तक होगी इसकी प्राइस, पता नहीं मुझे याद नहीं है इतना, बट वो वाली मतलब कितनी है इतना परफेक्ट याद नहीं है मुझे, क्योंकि ये वाली साड़ी लेके मुझे हो रहे हैं 1 या 1.5 साल। फिर आपने ये वाली साड़ी देखी है मेरी हल्दी कुमकुम के दिन, जब मैंने अपने घर का हल्दी कुमकुम रखा था तो ये वाली साड़ी किसी ने बोली थी कि ये पैठन ही नहीं है, तो ये पैठन ही है डियर, बट इस पे काम किया हुआ है, थोड़ा सा वर्क किया हुआ है, और ये जो पैठन ही है ये प्योर पैठन ही, मतलब प्योर सिल्क में पैठन ही है, तो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और प्योर सिल्क की पैठन ही है। और इसकी जो प्राइस है वो है 6,000 रुपीज, मुझे याद है इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और ये वाली साड़ी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और इसका जो ब्लाउज है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ब्लाउज के लिए काफी लोगों ने बोला था ब्लाउज कलेक्शन भी दिखाना करके, तो इसके अंदर ही मैं रखती हूँ एक्चुअली, तो मैं इसीलिए फोल्ड नहीं निकाल रही हूँ। आप लोगों ने तो पूरी देखी ली ये वाली साड़ी, क्योंकि मुझे काफी मतलब अभी इतने सारे साड़ियों की फोल्ड करनी बैठनी पड़ेगी, और फिर अभी मुझे खाना भी बनाना है इसी वजह से, तो डिनर भी बनाना है। तो इस तरह से इसका बैक नेक है, और यहाँ पर मैंने इस तरह से ब्लू कलर के ही लटकन लगवाए है, और इस तरह से इसका बैक है, तो आप देख सकते हो, ओह माय गॉड, हाँ लटकन है ये वाले, और इस तरह से इसका बैक है, और छोटी स्लीव्स रखी है इसकी। तो इस तरह से इसका जो ब्लाउज है वो है, और मुझे ये वाली साड़ी भी बहुत ही ज्यादा पसंद है एक्चुअली। इसका कलर और इसका जो मटेरियल है ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। अगर ये वाली साड़ी पहनोगे भी ना तो ऐसा लगता नहीं है कि ये वाली साड़ी पहनी है करके, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। और इसका जो पल्लू है वो भी आपने देख ही लिया है उस वाले वीडियो में हल्दी कुमकुम वाले, तो इसका जो पल्लू है इस तरह से है ब्लू कलर का, तो बहुत सुंदर साड़ी है और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट में से एक है। तो नेक्स्ट आपने मेकअप लुक में देखा है हल्दी कुमकुम वाले मेकअप लुक में, तो वो है ये वाली साड़ी। तो ये पैरेट कलर में है साड़ी, और इसका जो पल्लू है वो इस तरह से ब्लू कलर में है, और पूरी साड़ी जो है इस तरह से है पैरेट कलर में, और ये भी पैठनी है एक्चुअली, तो ये इस तरह से बूटे है इसमें गोल्डन कलर के, तो ये है पैठनी, जो पैठनी मैं बोल रही थी तो वो सिल्क पैठनी है, और ये पैठनी है, तो ये है पैठनी साड़ी जो महाराष्ट्र की फेमस है, और महाराष्ट्रीयन जो है मुझे देख रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा पैठनी क्या होती है, और पैठनी में भी वैरायटी होती है, एवला पैठनी अलग होती है, और भी बहुत सारे नाम है पैठनी में, बट मुझे पता नहीं है एक्चुअली, पता नहीं है मीन्स
अभी यान भी नहीं है, और इसी में मैं पेटीकोट रखती हूँ इसका मैचिंग, और इसी में मैं इस तरह से ब्लाउज रखती हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े, और इसके ऊपर मैं साड़ी रखती हूँ। तो इसका जो ब्लाउज है उसका मैं बता देती हूँ आपको, ये जो ब्लाउज है इस तरह से इसका नेक है, बैक नेक, और इसको भी लटकन लगवाया है मैंने इस तरह के ब्लू कलर के, तो ये भी काफी प्यारे लगते हैं लटकन, आप देख सकते हो इस तरह से लटकन है, तो काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं, मतलब पहनने के बाद तो काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। और फिटिंग भी मेरी जो फिटिंग है, मैं जिस बुटीक में डालती हूँ सिलाने के लिए ब्लाउज, तो उस बुटीक वाले को मतलब पता है मुझे कैसी फिटिंग चाहिए, और उनको मुझे उनके हाथों की फिटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो इसी वजह से मैं हर टाइम उनके पास ही सिलवाती हूँ ब्लाउज अपने। नेक्स्ट है ये वाली साड़ी, इसे मटका पैटर्न बोलते हैं, ये काफी ज्यादा इन में था एक साल पहले, तो उस टाइम मैंने ली थी ये वाली साड़ी मटका, तो इसमें डिजाइन मटके की है, यहाँ पर ऐसे बीच बीच में मटके की डिजाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पर बीच बीच में मटके की डिजाइन है, तो इसी वजह से ये वाली साड़ी उस टाइम बहुत ही ज्यादा इन में थी एक साल या डेढ़ साल पहले, तो इसी वजह से मैंने ली थी। और इसका जो पल्लू है वो इस तरह से है, मटका डिजाइन में ही है इसका पल्लू, तो ये बहुत ही सुंदर लगती है, ये वाला कलर स्पेशली बहुत सुंदर लगता है, और ये वाले एक्चुअली इसमें मैंने बहुत सारे कलर रानी कलर वगैरह भी देखे हैं, बट वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, इसमें पीच कलर भी है, बहुत सारे कलर थे बट वो मुझे इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे, बट ये वाला जो कलर है ना वो मुझ पे भी बहुत सूट होता है, और स्पेशली ये वाला कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने लिया। और ये वाला सिंपल मतलब ब्लाउज सिलाया है, इसका गला भी मटका गला रखा है मैंने, जो बैक गला है वो भी मटका गला रखा है, और इस पे भी इस तरह के लटकन लगवाए हैं, तो ये है इसके लटकन। तो क्योंकि लटकन लगाने से क्या होता है कि ऐसे बीच नीचे नहीं फिसलते हैं ब्लाउज, तो थोड़ा सा लटकन लगवाने से अच्छा रहता है, तो मैंने इस तरह से लटकन लगवा लिए इसे। और ये वाली साड़ी इस तरह से है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है पहनने के बाद, और इतनी ज्यादा महंगी नहीं है एक्चुअली ये साड़ी, ज्यादा से ज्यादा होगी 1300 से 1400 रुपए की, इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, सिल्क की साड़ी है एक्चुअली, बट काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद ये वाली साड़ी, तो ये वाली साड़ी भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, थोड़ी हेवी है एक्चुअली, बट बहुत ज्यादा अच्छी लगती है पहनने के बाद, और थोड़ी हेवी है इसी वजह से मैं ज्यादा नहीं पहनती, इतने मुझे साड़ी पहनने की आदत नहीं है, और उसके बाद मैं अगर इतनी हेवी साड़ी पहन लूँ तो मुझे तो मतलब हिलना भी नहीं आएगा, तो इसी वजह से मैं ज्यादा नहीं पहनती हूँ ये वाली साड़ी, बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसका भी गला जो है वो मटका गला ही है, तो आप देख सकते हो इसके ब्लाउज का गला, और इस पे मैंने इस तरह से लेस लगवाई है, पूरे मोती की लेस लगवाई है पूरा मटके गले पे, और इसको भी इस तरह के लटकन लगवाया है, तो ये सिंपल से लटकन, मैंने इस पे ज्यादा खर्चा नहीं किया था, तो ये वाली साड़ी है। और ये पूरी इस तरह की मतलब ये जो साड़ी है पूरी ऐसी ही है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा शाइन करती है, इसका कपड़ा भी अच्छा है, और इसका जो पल्लू है वो इस तरह से है, मतलब सिर्फ नीचे नीचे इसका पल्लू है इस तरह से, और बस यहाँ तक सेम ही है, तो ये वाली साड़ी है। और ये वाली साड़ी आई थिंक मैंने ली थी 2400 या कुछ तो भी रुपीज में, तो ये वाली साड़ी एक्चुअली मुझे मम्मी ने और मैंने सेम ली थी, मेरी मम्मी ने और मैंने, तो उसी ने मुझे लेके दी थी ये वाली साड़ी, मतलब वो यहाँ पर आई थी तो वो अपने लिए लेने वाली थी, तो वो मेरे लिए भी उसने ये वाली साड़ी ली थी, तो ये है वो साड़ी। क्या है ये वाली साड़ी, तो आपने देखी ली है, मैंने आपको दिखाई थी इसका, देखो आप, मैंने बोला था ना आपको कि मैं बहुत लेट करती हूँ सारा कुछ, मतलब इस पे मैंने अभी तक ब्लाउज स्टिच नहीं किया है, अद्विक के बर्थडे के पहले ली थी, और इसका अभी तक लेबल भी नहीं निकाला है, तो देखो अभी मैं निकाल देती हूँ इसका लेबल, और इसका जो ब्लाउज है वो स्टिच कर लूंगी, नहीं तो फिर वही ब्लाउज मैं पहनूंगी इस पे जो ब्लैक कलर का है। तो ये वाली साड़ी है, और ये भी मैंने दिखाई है आपको, पूरी इस तरह की साड़ी है ये गोल्डन, और इसके नीचे फ्रिल है वाइट कलर की और ब्लैक कलर की, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद है साड़ी, और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत ही अच्छा है। फ्रिल वाली साड़ी मैंने अद्विक के बर्थडे पर ली थी सारी, तो आप लोगों को पता ही है, तो उसमें से कुछ साड़ीज है तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी फ्रिल वाली साड़ी है, तो ये गोल्डन कलर की है, और ये फुल गोल्डन है इस तरह से पूरी साड़ी है, और ये वाली साड़ी ना पहनने के बाद काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, और इसमें आप स्लिम भी लगते हो और हाइटेड भी लगते हो, इसी वजह से मुझे ये वाली साड़ियाँ ना मतलब फ्रिल वाली साड़ियाँ मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है इस बार। अभी इसका ही फैशन भी चल रहा है, तो ये है दूसरी साड़ी जो मैंने अद्विक के बर्थडे पे पहनी थी,
तो ये इस पे भी फ्रिल है और ये थोड़ी सी सस्ती साड़ी है बट मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो ये है वो साड़ी जो अद्विक के बर्थडे पे पहनी थी और आपने देख ही लिया है वो वाली साड़ी। ये है एक कॉटन की साड़ी है और ये पूरी रेड साड़ी है एक्चुअली और इस पे ना इस तरह की बॉर्डर है। इसमें आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो है ऊपर का इसका पल्लू है, ये जो है ऑरेंज कलर का इसका पल्लू है और ये जो साड़ी है वो रेड कलर की है, मरून कलर की है। तो इस तरह की है ये कॉटन की साड़ी और ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब इसलिए पसंद है कि ये अगर ये साड़ी आप पहनते हो ना तो पूरी आपका शेप ले लेती है इस साड़ी। इसी वजह से ना मुझे इसका मटेरियल और सारी चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो इसी वजह से मैं ये साड़ी भी मेरे फेवरेट में से एक ही है। और इसका जो बैक है ब्लाउज है वो इस तरह से है और स्लीव्स पे ये वाले जो क्या बोलते हैं बॉर्डर है वो लगवाई है मैंने और इस तरह से बैक है इसका। तो ये वाली साड़ी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अद्वी के बर्थडे पे मैंने ली थी 4 साइज तो उसमें से ही एक ये है और इसका भी ब्लाउज अभी तक स्टिच नहीं किया है तो ये पता नहीं कब होगा और कब इसका मैचिंग सारा कुछ होगा। तो ये वाली साड़ी है सिल्क की है और इसका जो बॉर्डर है वो इस तरह से है मतलब और इसका पल्लू भी यही पल्लू है इसका। मतलब सिंपल है थोड़ी बट अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। मतलब लाइट वेट है और सूट भी करती है मुझे तो इसी वजह से मुझे अच्छी लगी ये वाली साड़ी। उसके बाद है ये वाली साड़ी जो मैंने दिवाली के दिन पहनी थी और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है गाइस। साड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये वाली साड़ी। अभी ना मैंने बहुत लोगों के ऊपर देखी है, कॉमन हो गई है लेकिन कॉमन मीन्स मैंने बहुत लोगों के ऊपर देखी है यहाँ पे बट मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली साड़ी। पल्लू में इसके इस तरह से ये है क्या बोलते हैं तो लटकन है पल्लू में और ये है इसका पल्लू, सेम ही साड़ी है पूरा पल्लू और ये और इस तरह से इसके बॉर्डर है, पूरा हेवी बॉर्डर है मतलब काफ़ी बड़ी लेस है ये बॉर्डर में। अगर आपने दिवाली वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चेक कर लेना, उसमें आपको दिख जाएगी। तो उसमें मैंने इसका ही जो स्टिच किया हुआ ब्लाउज है वो पहना था बट ये वाली साड़ी ना एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इसका जो ब्लाउज है उसने थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, पता नहीं उन्होंने क्या किया है, अभी टेलर बदल दिए है बुटीक के या क्या किया है पता नहीं, या मेरी गलती है, मैंने जो गला उनको बताया बैक ने तो उसकी वजह से हुआ होगा। तो मैंने जो है इस पे अलग से एक ब्लाउज लिया है तो सेम ही है ब्लाउज बट ये मैंने रेडीमेड लिया है, ती वाला ब्लाउज लिया है और इसके नीचे ना इस तरह से फ्रिल है तो बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला ब्लाउज और इसके बैक नेक जो है वो इस तरह से है। तो इसको भी थोड़े से ये है डोरी वोरी है पहनने के लिए तो ये आप जल्दी ही मुझे पहने हुए देख लोगे ये वाली साड़ी क्योंकि मैं जल्दी ही पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी, तो आप जल्दी ही 3-4 दिनों में ही मुझे पहने हुए देख ही लोगे। और ये वाली जो साड़ियाँ है ये ऐसी ही सिंपल है मतलब ज़्यादा हेवी नहीं है बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक प्लेन साड़ी है कॉटन की, ब्लैक साड़ी है प्लेन है और ये ना कॉटन सिल्क बोलते हैं इसे, ये वाली साड़ी को मटेरियल इसका इस तरह से है और इसके जो नीचे है वो इस तरह से है, इसका जो पल्लू है उसमें आपको इस तरह से इसका पल्लू मिल जाएगा। तो ये वाली साड़ी है और इस पे भी मैं वही ब्लाउज पहनूंगी जो स्लीवलेस ब्लाउज है मेरे पास ये वाला, या ये भी ब्लाउज पहन सकती हूँ मैं, ये भी एक ब्लाउज है मेरे पास पूरा मतलब बोट नेक है और पीछे से थोड़ा सा नेक बड़ा है इस तरह से, नेक बड़ा है और इसके पीछे से बटन्स है और ये जो स्लीव्स है ना इसकी थोड़ी सी लंबी है यहाँ तक, तो ये वाला ब्लाउज है। तो ये वाला भी ब्लाउज मैं इसके ऊपर पहन सकती हूँ और ये वाला भी पहन सकती हूँ, ये वाला स्लीवलेस ब्लाउज है और ये तो आपने देख ही लिया है ब्लाउज, ये रेडीमेड ब्लाउज है मेरे। तो इस तरह से इसका गला है मटका गला पीछे से और यहाँ पर इस तरह से स्टिच वो है बटन है। तो ये वाला ब्लाउज है एक, फिर एक ये साड़ी है ये भी इस तरह से कॉटन की मतलब सिल्क कॉटन की ही साड़ी है ये भी, तो ये मुझे किसी ने दी थी एक्चुअली, इस पर मुझे ब्लाउज स्टिच करना है बट मैं सोच रही हूँ कि इस पर गोल्डन वगैरह पहनूँ या ब्लू वगैरह मेरे पास है ब्लाउज तो वो भी पहन लूँ क्योंकि ना इतनी ज़्यादा मैं साड़ीज पहनती नहीं हूँ और फिर बाद में फालतू ये पड़े रहेंगे, तो इसी वजह से मैं इसका ब्लाउज जो है वो स्टिच नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है साड़ी। और ये वाली साड़ी मेरे भाभी ने दी थी मुझे, ये वाली साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है
लाइट वेट है, इसका जो मटेरियल है वो शिफॉन का मटेरियल है और काफी ज्यादा पसंद है इसका कलर मुझे, तो ये वाली साड़ी भी मेरी फेवरेट है। इसके ऊपर अभी तक ब्लाउज स्टिच नहीं किया है, एक्चुअली मेरा ऐसे ही होता है। आपको एक और ब्लाउज दिखाती हूँ, वो भी ब्लाउज काफी ज्यादा प्यारा है। ये भी ब्लाउज आपने देख लिया है, मैंने दशहरे के ब्लॉग में ये वाला ब्लाउज पहना था और ये ब्लाउज ना मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बट ना थोड़ा सा ये डिजाइनर है और इस पे स्टिच भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा मुझे लूज होता है ये ब्लाउज। तो ये इस तरह से ब्लाउज है पूरा और बैक नेक तो इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है मुझे। मतलब दो ही इसमें ये है बटन्स है और पूरा बैक ओपन है इसका, तो काफी ज्यादा मतलब स्टाइलिश ब्लाउज है और काफी ज्यादा हीवी ब्लाउज है, मतलब बहुत ही ज्यादा हीवी आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देती हूँ, इस तरह से इसका ब्लाउज है, मतलब ये वाला ब्लाउज बहुत ही ज्यादा सुंदर है यार, बट ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है मुझे इसमें। और फिर ये है साड़ी, ये नेट की साड़ी है, ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब पहनने के बाद ये भी मैंने एक महालक्ष्मी वाले ब्लॉग में पहनी थी साड़ी और ये भी साड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगती है पहनने के बाद। इसकी पूरी नेट की साड़ी है अंदर से, ये वाली साड़ी पूरा नेट है अंदर से और ये जो है इसका पल्लू है ब्लू कलर का, जहाँ से हम लोग यहाँ से पल्लू लेते हैं ना तो वो ब्लू कलर का है और बॉर्डर भी काफी ज्यादा प्यारी है इसकी, इस तरह से है। और इसका जो ब्लाउज है वो पूरा गोल्डन है, ये मैंने सिंपल ही स्टिच किया था, तो ये वाला ब्लाउज सिंपल ही स्टिच किया है। इसका जो बैक नेक है वो इस तरह से है वी शेप में, इस तरह से ऐसे पत्ती की शेप में, और इसका फ्रंट राउंड है, तो ये ब्लाउज सिंपल ही है। फिर ये वाला ब्लाउज है, ये मैंने कपड़ा लेके सिलवाया था, तो ये सिल्वर कलर का ब्लाउज है और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका मटका गला है और ये भी मैं बहुत कम पहनती हूँ सिल्वर कलर की, मतलब बॉर्डर वाली साड़ी नहीं है मेरे पास, स्टिच करवा लिया था उसके लिए कि कोई बॉर्डर वाली साड़ी होगी सिल्वर कलर की तो उस पर पहन सकती हूँ मैं। फिर है ये वाली साड़ी, ये भी मुझे एक टाइम में बहुत ज़्यादा पसंद थी साड़ी और मुझ पर बहुत ज़्यादा सूट करती थी ये वाली साड़ी, बट ये काफ़ी पुरानी साड़ी है एक्चुअली, ये वाली साड़ी इस तरह से है पूरी, क्योंकि मुझे इसकी फोल्ड करनी थी जिस वजह से मैंने इसे ओपन कर लिया। और ये भी साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लाइट वेट है और मुझ पर काफ़ी ज़्यादा सूट करती है ये वाली साड़ी। और इसका जो बैक नेक है ब्लाउज का वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसका ब्लाउज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो इस तरह से है इसका बैक नेक ब्लाउज का। और ये मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगवाई थी और पूरी नीचे भी इस तरह से बॉर्डर लगवाई है और ये जो है ना यहाँ पर भी बॉर्डर लगवाई है, मतलब ये ऐसा नहीं है, मतलब ये ऐसा 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 है, ये पूरा ऐसा स्ट्रेट नहीं है नीचे से, ऐसे है तरह से इसका बैक नेक है। पूरी प्लेन साड़ी है ब्लू कलर की, ये यही मैंने इस पे पहने इस तरह के ब्लॉग में, ये वाली साड़ी और ये वाला ब्लाउज मैंने पहना था, तो ये वाली साड़ी भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो सिर्फ प्लेन साड़ी है और नीचे से सिर्फ इसके बॉर्डर इस तरह से है, बहुत सस्ती साड़ी है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 वगैरह की साड़ी होंगी, 300 या 350 की ज़्यादा से ज़्यादा ये साड़ी होगी, जॉर्जेट की साड़ी है और नीचे से इस तरह से बॉर्डर है इसका। बट मैंने ये जो ब्लाउज़ है वो काफ़ी महंगा लिया था उस टाइम, आई थिंक ये ब्लाउज़ मैंने 1200 का कुछ लिया था उस टाइम, नए नए ही ये ब्लाउज निकले थे तो मैंने ये वाला ब्लाउज ले लिया था उस टाइम, इतना महंगा ब्लाउज ले लिया था, बट वो पहना ही नहीं जाता है यार, मतलब इस तरह से है वो ब्लाउज कि उसका बैक इतना बड़ा है और वो ब्लाउज ना थोड़ा सा लूज भी होता है मुझे, और इसकी वजह से थोड़ा सा मोती वोती की वजह से इसको स्टिच भी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार इतने पैसे मैंने उसमें गंवा दिए, कोई बात नहीं होता है। तो ये है और ये एक साड़ी है, ये भी साड़ी आपने देख ली है, ये इस तरह से है साड़ी, ये भी काफ़ी कॉमन हो चुकी है, इतनी ये नहीं है बट फिर भी पहनने के लिए अच्छी, कोई जल्दबाजी में हो आप और पहनते हो तो, ये मैंने पहननी थी एक्चुअली साड़ी इसमें तुलसी विवाह के ब्लॉग में पहनी थी ये वाली साड़ी मैंने। और फिर ये यहाँ पर है मेरे पास कुछ साड़ी, तो ये भी इतनी कुछ खास नहीं, कभी ना कभी तो ये वाली साड़ी को मैं पहनूंगी, मुझे इसका कलर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो इसी वजह से मैंने सोचा कभी ना कभी मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी, तो इसी वजह से मैंने रख ली, मतलब मैंने सोचा चलो ये गोल्डन ब्लाउज पे वगैरह साड़ी हो जाएगी तो मैं पहन लूंगी कभी ना कभी।
फिर ये एक साड़ी है, वो भी कॉटन सिल्क की है, सेम उसकी तरह ब्लैक साड़ी मैंने आपको दिखाई ना, उसी की तरह ये है साड़ी, बट ये पूरा इस तरह के कलर है। और नीचे से ये भी साड़ी न्यू ही है, इस पर देखो आप स्टिकर है, और इस पर भी मैंने अभी तक ब्लाउज नहीं सिलवाया है, और इसका जो पल्लू है वो इस तरह से है। तो इस पर भी मुझे एक्चुअली इस पर रेड वगैरह जो मेरा रेड ब्लाउज है वो आ जाएगा, रेड वगैरह ब्लाउज सिलवाना पड़ेगा मुझे, या रेडीमेड रेड ब्लाउज लेना पड़ेगा। और फिर है ये कॉटन की साड़ी, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे साड़ी, मतलब एकदम बहुत ही सिंपल साड़ी है बट काफ़ी अच्छी लगती है। ये इसका जो ब्लाउज है उस पर मैंने इस तरह से पत्ते का गला है इसका, पत्ते का नहीं है सॉरी, हाँ इस तरह से शेप है इसका, वी शेप, बैक शेप जो है वो वी शेप है, और उस पर मैंने लेस लगवाई है, और ये जो है बॉर्डर इस पर लगवाई है। और ये साड़ी ना इस तरह से है पूरी पिंक, लाइट पिंक कलर की इस तरह से, और इसका जो पल्लू है वो इस कलर का है। तो ये वाली साड़ी भी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये वाली साड़ी जो है ना आपका शेप ले लेती है, इसका जो मटेरियल है वो कॉटन का है, बट कॉटन में भी मतलब अच्छी क्वालिटी का कॉटन है ये वाला, मतलब लूज कॉटन है और अच्छी क्वालिटी का है, तो जो आप अगर आप इसे पहनते हो तो ये आपका शेप ले लेती है, तो इसी वजह से मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है गाइज मेरा साड़ियों का कलेक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट करके जरूर बताना अच्छा लगा होगा तो, और मेरा साड़ियों का कलेक्शन कैसा लगा आपको ये भी जरूर बताना। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे।